नमस्कार। भारतेंदु जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। वेब वार्ता का आज का विषय है हिंदी और हिंदुस्तान। आप सबका स्वागत है। जयदीप जी, क्या देश में हिंदी की स्थिति संतोषजनक है? मुझे लगता है बहुत लंबे समय से हम इस विषय से जूझ रहे हैं। हिंदी जो है हिंदुस्तान के जन जन की भाषा होनी चाहिए। हिंदी है जन जन की भाषा, जन जन की मुखरित अभिलाषा हम जो कहते हैं, लेकिन सतत हम इसको एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हिंदुस्तान जो है विविधताओं वाला देश है। इसमें हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, गुजराती भी बोली जाती है, लेकिन ऐसी कोई संपर्क भाषा नहीं है जो इन अलग अलग भाषा के बोलने वाले बाशिंदों को जोड़ सके, जो कि पहले संस्कृत भी रही और उसके बाद हिंदी भी बहुत समय तक रही है। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजी एक नई भाषा के रूप में हिंदुस्तान के समाज में प्रविष्ट हो गई। दूसरा, अंग्रेजी ना केवल प्रवेश कर गई बल्कि अंग्रेजी जो है उसको एक अपने स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हुए लोगों ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जो अंग्रेजी जानने वाला वर्ग है वो श्रेष्ठी वर्ग हिंदुस्तान में समझा जाने लगा, कहलाने लगा। अंग्रेजी शासकों की भाषा बन गई और हिंदी जो है वो जो गरीब है, शोषित है और जो गुलाम है, जो दासता के शिकार हैं, उनकी भाषा बन गई। तो तब से ये जो बड़ी मानसिक दरार पड़ी है, इस दरार ने हिंदी भाषा का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप देखिए कि आप जब पूछते हैं कि क्या हिंदी की स्थिति संतोषजनक है, तो उसके लिए एक उदाहरण काफी है कि एक टेलीफोन कंपनी ने, सेल्युलर सेवा प्रदाता कंपनी है, उसने एक विज्ञापन किया जिसमें यह बताया कि एक गांव में एक व्यक्ति पता पूछने जाता है और वो टूटी फूटी हिंदी बोलकर पता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़का है वो अच्छी स्पष्ट अंग्रेजी बोलते हुए पता बता देता है। और उससे ये माना गया कि ये जो बच्चा है ये शिक्षित है, और वो इसलिए शिक्षित हुआ कि वो सेल्युलर कंपनी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल के जरिए क्लासरूम चलाकर बच्चे को पढ़ाया गया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या केवल अंग्रेजी आ जाना भर शिक्षा का परिचायक होना चाहिए? नहीं हो सकता। हमें ये लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसकी वजह से जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के मन में हीनता का भाव आया है, मुझे लगता है उस हीनता के भाव को देखते हुए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हिंदी की स्थिति संतोषजनक है। दो बहुत अलग अलग तरह की बहस हिंदुस्तान में चलती है जब बात हिंदी को लेकर आती है। एक वर्ग है वो कहता है कि केवल अरण्य रोदन करने से कुछ नहीं होगा, हम हिंदी को लेकर छाती माथा कूटते रहते हैं, लेकिन हिंदी बढ़ रही है, हिंदी अच्छी है, सिनेमा की भाषा है, साहित्य की भाषा है और आमजन की भाषा है और उपयोग हो रहा है। दूसरी ओर एक वर्ग है जो कहता है कि अंग्रेजी का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, सारे स्कूल जो है वो कॉन्वेंट स्कूल है, बच्चों को कोई हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता, टेलीविजन चैनलों पर भी अब इंग्लिश बोली जाने लगी है, अखबारों में वो खत्म हो रही है। तो इन दोनों बहसों के बीच में कहीं हिंदी खड़ी है, और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जरूर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। संतोषजनक जो आपने की पूछा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी संतोषजनक स्थिति है। यदि कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, फिर ऐसे क्या कारण रहे कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? देखिए, वो तो हम जानते हैं कि जब संसद में प्रस्ताव आया था तो केवल एक वोट से जो है वो हिंदी हार गई थी, और वो राष्ट्रभाषा दरअसल केवल वैसे भी सरकारी तौर पर कामकाज की भाषा तो बनाने की कोशिश उसको की गई, लेकिन सरकारी दफ्तरों में आप केवल किसी प्रकार का परिपत्र जारी कर दें और आप दबाव डालते रहें लोगों के ऊपर कि आप इस्तेमाल करें भाषा का, और लेकिन लोग उसका इस्तेमाल ना करें, तो हिंदी जो है वो न राष्ट्रभाषा बन सकती है, न राजभाषा बन सकती है, न कामकाज की भाषा बन सकती है, न जन जन की भाषा बन सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अंग्रेजी को तो संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हैं। जो अलग अलग टापू हिंदुस्तान में भाषा के रूप में बने हुए हैं, जो उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली बोलने वाले लोग हैं, वो अलग अलग टापुओं पर खड़े दिखाई देते हैं, और इन टापुओं के बीच में संपर्क के लिए हम जब किसी भाषा को ढूंढने निकलते हैं तो हम उसमें अंग्रेजी को अपना बैठते हैं। तो जब तक हम इन टापुओं को जोड़ने का सेतु अपनी ही भाषा में से किसी एक भाषा को नहीं बनाते, जब तक हम बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलने वाले को शुरुआत से बचपन के समय से एक दूसरे से मिलने का कोई ऐसा उपक्रम नहीं रचते जहां पर वो हिंदुस्तान की इस विविधता को समझते हुए अंगीकार कर सके, जहां पर कोई तमिल बोलने वाला किसी हिंदी बोलने वाले से, कोई गुजराती बोलने वाला किसी कन्नड़ बोलने वाले से किसी प्रकार का वैर भाव न रखे और वो ये समझे कि ये सारी भाषाएं दरअसल एक ही हार में गुथे हुए अलग अलग फूल हैं और इन फूलों को जोड़ने के लिए एक धागा हमें जरूर चाहिए, और यदि एक देश का बड़ा वर्ग है तो इसको हिंदी को इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है, तो हम हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में, जब हम दूसरी भाषा के रूप में अपनी जो मातृभाषा है उसके अलावा दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को सीख सकते हैं, तो बजाय उसके हम हिंदी को, जो कि हमारी जमीन की, हमारी धरती की, हमारे देश की भाषा है, उसको क्यों नहीं सीख सकते। एक त्रिभाषा फार्मूला भी दिया गया था कि एक अंग्रेजी इसके बाद एकमात्र, पर वो त्रिभाषा फार्मूला भी देश में कारगर नहीं रहा। तो मुझे ये लगता है कि दरअसल सोच में जो दिक्कत है वो हिंदी को आगे बढ़ने से रोक रही है। जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं उनको लेकर हमने काम नहीं किया इसलिए, और देश की संस्कृतियों को आपस में अच्छे से जोड़ने और गूंथने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किए। और भाषा और संस्कृति एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। कोई मलयाली भाषी व्यक्ति मलयालम में बात करता है तो उसको अपनी संस्कृति से, धरती से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। वो जुड़ाव हिंदी बोलते वक्त कम ना हो, इसकी कोशिश हमने नहीं की है, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी वहां नहीं पहुंच पाई जहां की उसको होना चाहिए था। आजकल एक चीज और देखने में आ रही है कि आजकल जो नए लोग आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छी हिंदी लिख पढ़ पाते हैं और ना ही अंग्रेजी। ये हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी खामी है, हमने उनको ये नहीं समझाया। देखिए, मैं जब यहाँ अंग्रेजी के बारे में कहता हूँ कि वो छा गई है, हावी हो गई, तो मैं अंग्रेजी से नफरत नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, खासतौर पर विश्व स्तर पर, हमें इसे व्यवसाय करने की दृष्टि से बहुत मदद मिली है अंग्रेजी से। चीन की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये रही है कि वहाँ के जो उद्यमी हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उन्हें विश्व स्तर पर व्यापार करने में कठिनाई होती थी, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। हमारे यहाँ चूंकि अंग्रेजी पहले से आती थी, तो व्यापार व्यवसाय में उसका कुछ लाभ विश्व स्तर पर हुआ है। देखिए, आप ऐसे वर्ग में बैठे हैं जहाँ पर कोई हिंदी या दूसरी भाषा जानने वाला नहीं है और केवल अंग्रेजी जानता है, वहाँ आप अपने अंग्रेजी के ज्ञान का उपयोग करते हुए उसको केवल अभिव्यक्ति के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। लेकिन आप अपनी हिंदी बहुत अच्छी आते हुए भी, एक ऐसा वर्ग जहां सब हिंदी जानने समझने वाले लोग बैठे हैं, वहां भी जबरदस्ती अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है। इस मानसिक से कैसे मुक्ति मिलेगी? अंग्रेजी बोलने में हम गर्व महसूस करते हैं और हिंदी बोलने में शर्म। देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा कि अंग्रेजी अपने आप में खराब भाषा नहीं है। जो गांधी जी ने भी कहा था कि हमें ज्ञान की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना दरवाजा खोलें, उसमें से कोई घुस के हमारे घर के भीतर आ जाए और हमारे घर पे ही कब्जा कर ले। अंग्रेजी ने तो ठीक वैसा ही किया। तो जब हम अंग्रेजी के प्रति जो है एक तरह का श्रेष्ठी भाव रखते हैं और हिंदी के प्रति हीनता का भाव रखते हैं, हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, बच्चों को हम ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर बच्चों को हिंदी बोलने पर सजा मिलती है और दिन भर उनको केवल अंग्रेजी में ही वार्तालाप करना है ताकि उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, तो मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकलकर हमें अपने देश के संस्कारों को अधिक मजबूत बनाने के लिए हिंदी को मजबूत बनाना होगा। तब हमारे अंदर एक अलग तरह का स्वाभिमान भी होगा, और जैसा गांधी जी ने ठीक कहा है कि जिस राष्ट्र की भाषा नहीं होती वो राष्ट्र गूंगा होता है, तो हमें गूंगे राष्ट्र में ना तब्दील हो जाएं, उसके लिए हमें निश्चित तौर पर हिंदी को लेकर और अधिक प्रयत्न करने होंगे। और हिंदी को आगे बढ़ाते वक्त हमारी जो दूसरी अन्य भाषाएं हैं, जिनको मैं क्षेत्रीय भाषाएं मानना भी उचित नहीं समझता हूं, वो उनकी मातृभाषा है उस क्षेत्र के रहने वालों की, उनका सम्मान बरकरार रहे, उन्हें उससे किसी भी प्रकार की हिंदी के उपयोग से असुरक्षा की भावना उनके भीतर ना आए, ये चुनौती है। और इस चुनौती का सामना हम जिस दिन ठीक तरीके से कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम इस राष्ट्र में हिंदी के बेहतर विकास की ओर काफी आगे बढ़ चुके होंगे। धन्यवाद जयदीप जी। वेब वार्ता में हम बात कर रहे थे हिंदी और हिंदुस्तान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।